अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले के वेयर हाउस संचालकों ने शासन की नीति का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और रीवा विधायक को ज्ञापन सौंपा है। संचालकों ने मांग की है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जो नीति बनाई गई है उसका विरोध करते हैं। 21 सितंबर को जारी की गई खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की भंडारण नीति को अपने खिलाफ बताते हुए कहा कि नई नीति के तहत गोदाम किराया 85 रुपए पर मेट्रिक टन से घटाकर 35 और 40 किया गया है, जबकि गोदाम निर्माण, गोदाम के संसाधन, गोदाम का बीमा तथा गोदाम के संचालन में लगने वाले ब्याज में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अपनी मांगों को लेकर वेयर हाउस संगठन के अध्यक्ष पीएल अवस्थी के नेतृत्व में एक डेलीगेट मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर नीति में संशोधन नहीं किया गया तो सभी संचालक आगामी खरीफ एवं रवि विपणन वर्ष के लिए कोई भी ऑफर का अनुबंध नहीं करेंगे। आइए सुनाते हैं बेरहम संचालकों ने क्या मांग की है। ये वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक ऑनर्स एसोसिएशन एमपी का है, जिसका हेड ऑफिस रीवा है। मैं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी इसका प्रेसिडेंट हूँ। ये अभी जो नई नीति वेयर हाउसिंग एंड खाद्य निगम ने ये दी है, प्रबंध संचालक महोदय, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने जो हमें नई नीति दी है उसके तहत उन्होंने किराया रखा है 35 रुपये से 40 रुपये प्रति मेट्रिक टन, जबकि पहले 85 था। रख रखाव का उन्होंने अपने उस पर रखा है कि हम रख रखाव करेंगे, आपको सिर्फ किराए देंगे। लेकिन जो कैलकुलेशन में आ रहा है, हमारी ये मांग है कि इस नीति के तहत 70 रुपये प्रति मैट्रिक टन हमें दिया जाए, 40 की जगह 70 रुपये प्रति मैट्रिक टन किराया वेयर हाउसिंग का मध्य प्रदेश में दिया जाए, एवं इस नीति में 10 माह की कम से कम व्यावसायिक गारंटी दी जाए और इसको चावल को भी इसमें जोड़ा जाए। मतलब व्यावसायिक गारंटी अगर 3 माह का रखेंगे तो कम होगा, व्यवसायिक गारंटी की मांग की है, एवं 70 रुपये प्रति मैट्रिक टन हमने मांग की है, जो उन्होंने 40 दी, ये हमारी मांग है। अगर नहीं हो देंगे तो हम पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह वेयर हाउस अबकी बार किराए से नहीं देंगे गवर्नमेंट को। माननीय रिव विधायक से बात की, उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया कि हम इसमें मुख्यमंत्री और वेयर हाउसिंग के जो प्रबंध संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे। इसमें वास्तव में जो रेट है बहुत कम है, रेट बढ़ाया जाए। प्राइवेट गोदाम मालिकों ने अभी मुझे ज्ञापन दिया है कि उनका किराया 85 से 40 रुपए किया गया है। मैंने उनसे कहा है कि मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके और फिर इस पर चर्चा करके और आगे जो कुछ भी मदद हो सकती है उसके लिए बात करेंगे।